दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है, मध्य प्रदेश में भर्ती आ गई है, तो आप हो जाइए तैयार और लग जाइए तैयारी में। तो देखिए हम आज समझते हैं मध्य प्रदेश में कौन सी भर्ती आई हुई है अभी। तो मध्य प्रदेश में जो भर्ती आई हुई है वो है जेल प्रहरी रिक्रूटमेंट 2020। इसमें आपकी लगभग जो डेट की एग्ज़ाम डेट आपको यहाँ पर शो कर दी गई है 24 अक्टूबर एस्टिमेटेड डेट है, लगभग इसके आसपास एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी फॉर्म की डेट नहीं आई है, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप रॉयल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो आगे चलिए इसके बारे में जानकारी समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मात्र 165 सेंटीमीटर, जो कि लगभग नॉर्मल लोगों की हाइट होती है। और सीना इसमें फुलाना पड़ेगा आपको 83 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए और लगभग 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये आप बन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आवेदन की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए, अपंगता नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आइए हम आगे चलते हैं, इसका बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो इसमें क्या क्या एग्ज़ाम में आता है तो देख लीजिए, एग्ज़ाम होगा लगभग आपका 100 अंक का। मैं आपको जो जानकारी बता रहा हूँ वो पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर बता रहा हूँ, नया नोटिफिकेशन नहीं आया है दोस्तों। और जैसे ही कुछ नई जानकारी मिलेगी तो आपको सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। देखिए सबसे पहले इसमें सामान्य ज्ञान यहाँ पर थोड़ा सा अलग रहेगा, मध्य प्रदेश के बारे में भी जानकारी रहेगी, विज्ञान भी रहेगी और आपका लगभग सारी चीज़ें रहेंगी। विज्ञान तो अलग से भी है और हिंदी भी रहेगी आपकी, अंग्रेजी भी रहेगी, गणित भी रहेगी और विज्ञान भी रहेगी। 5 टॉपिक आपके पूछे जाएंगे और ये होंगे लगभग 100 अंक के, ध्यान रहे। अब हम बात करते हैं इसमें कि आपको और क्या करना पड़ेगा। तो आपको दौड़ होगी 800 मीटर की दौड़ होगी मित्रों, और 2 मिनट 50 सेकंड में दौड़ होगी पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए होगी 4 मिनट में, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए होगी 3 मिनट 15 सेकंड में। और हाँ दोस्तों, गोला फेंक प्रतियोगिता भी होगी, गोला फेंक भी होगी, 20 फीट गोला फेंकना पड़ेगा पुरुषों को। गोले का वजन होगा दोस्तों 7.260 किलोग्राम, और महिलाओं को वही फेंकना पड़ेगा 16 फीट, और गोले का वजन होगा 4 किलो, और वहीं भूतपूर्व सैनिकों को 15 फीट गोला फेंकना पड़ेगा और वजन होगा 7.260। अगर आपने दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा मित्रों, गोला फेंक यहाँ पर बहुत जरूरी होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों आयु की। तो आयु इसमें जो 18 से 25 है, 18 से 25 किसके खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती, जो बाहर से फॉर्म डालेंगे, अभी कह नहीं सकते बाहर से फॉर्म डालेंगे या नहीं डालेंगे, जो भी जानकारी होगी वो आपके आगे चल के बता दिया जाएगा। पिछली बार डले थे तो उनके लिए एज थी 18 से 25, और मध्य प्रदेश के निवासियों को 8 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी मित्रों। जनरल वालों के लिए भी, अनारक्षित वर्ग वालों के लिए 33 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। वहीं महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 38 वर्ष रहेगी। और जो भी अतिरिक्त जानकारी होगी मित्रों वो आपको बता दी जाएगी। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी चैनल पर आपको सिलेबस भी लगभग कंप्लीट करा दिया जाएगा।